लेकर आ गई हूँ आप लोग की पसंदीदा वीडियो। तो चलिए चलकर देखते हैं। Hi everyone, Assalamu Alaikum. This is me, Arbika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with the most requesting video. कुछ दिनों से मैं अपने YouTube की वीडियोस के कमेंट्स पढ़ी थी, तो आप सबने मुझे बड़े मजे के आइडियाज दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं एक साथ तो इतने सारे आइडियाज पे काम नहीं कर सकती ना, है ना? तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना ये वाले आइडिया पे काम किया जाए। अब वो कौन सा आइडिया बता रही हूँ भाई, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो आज मैं करने वाली हूँ एक जादू, काफी दिनों से नहीं किया था, फिर मैं सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो में कर लेना जादू। तो जादू करते हैं, आप लोगों को पता भी चल जाएगा और जादू भी हो जाएगा। 1, 2, 3 तड़ा। सो ये है मेरी आज की YouTube वीडियो, माय लिपस्टिक कलेक्शन। लिक्विड लिपस्टिक होती है, मैट लिपस्टिक होती है और एक सिर्फ लिपस्टिक होती है। तो यहाँ पे सारी रखी हुई है, तो मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगी कि मेरी फेवरेट कौन सी है और मुझे कौन सी नहीं पसंद। तो पहले मैं बात करूंगी ग्लॉसेस की। यहाँ पर जितनी आप लोग को नजर आ रही है ना, ये सारी मेरी ग्लॉसेस है, लेकिन इसमें से कुछ लिक्विड है और कुछ मैट है। आप लोग की चॉइस क्या है? आप लोग को लिक्विड ज्यादा पसंद है या मैट ज्यादा पसंद है, कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे दोनों ज्यादा पसंद है, मतलब लिक्विड भी मुझे पसंद है, मैट भी ज्यादा पसंद है। पर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ब्रांड्स की जो मैट लिपस्टिक होती है ना, वो थोड़ी सी लगाओ तो वो एकदम यू नो खुरदुरी टाइप हो जाती है, खराब सी हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। मेरे पास जो मैट लिपस्टिक है ना, वो काशीज की है। काशीज की मैट लिपस्टिक जो है वो कहीं भी नहीं जाती, मतलब इधर से उधर भी नहीं होती, तो मुझे सबसे अच्छी इनकी यही लगी। क्योंकि मैं आप लोग को शेड का नाम बताती हूँ, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरी लिपस्टिक के शेड का नाम क्या है, फिर आप लोग इजीली ले सकते हैं। इसमें मेरे पास अलग अलग शेड्स हैं, मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ कुछ का। ये वाला जो शेड है ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम है ड्रीमी। ये जो ड्रीमी शेड है ना, ये लगने के बाद बहुत नेचुरल लगता है। साथ ही साथ मेरे पास ये रेड के दो शेड्स हैं, मैं आप लोग को इन दोनों के नाम बता देती हूँ। एक का नाम है रूबी रेड और एक का नाम है सेलिब्रेशन। अब ये दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, वो कैसे मैं आप लोग को बता दूँ। एक प्योर रेड है और एक मेहरून टाइप है। ये वाला जो कलर है ना पीची लाइफ, ये तो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कलर है काशीज का कि वो जब भी ब्राइडल शूट मतलब सॉफ्ट लुक उनको देना होता है तो वो पीछे लाइफ जरूर लगाते हैं। ये राज है, आप लोग जाकर ले सकते हैं। लिपस्टिक खाने की भी आदत होती है, मतलब डिनर पर जा रहे हैं किसी के साथ और समझ रहे हो अब आप खाना खाते हो तो साथ ही साथ आप लिपस्टिक भी खा लेते हो। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कौन कौन सी लड़कियां जिनके साथ ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे साथ भी होता है, लेकिन नॉट डेट मच, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है लिपस्टिक खाने की, लेकिन अक्सर हो जाते तो वो यहाँ से लिपस्टिक जो है वो हट जाती है, तो फिर मैं जल्दी से ऐसे मिरर निकाल के लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे पास है ये बहुत ही क्यूट सी जो रखी हुई ना, आप लोग को बहुत अट्रैक्ट कर रही होंगी, कर रही है ना? हाँ कर रही है। ये जो है ना ग्लॉस है, ग्लॉस के अलग अलग शेड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये पिंक है, ये रेड है, ये कुछ ऑरेंज टाइप है, मतलब मस्टर्ड टाइप। तो ये तीनों अच्छे हैं, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, मतलब कुछ लिपस्टिक ऐसी भी है मेरे पास जो मैं खुद नहीं लगाती। ऐसी लिपस्टिक्स को ना लाइक ये वाली इनको मैंने अपनी वैनिटी पर सिर्फ डेकोरेट किया हुआ है, मैं इसको लगाती नहीं हूँ क्योंकि दिखने में अच्छी है, लगाने में नहीं। ये टिंट है, टिंट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब यार इसको बस बैग में डाल दो, आपका ब्लश भी हो जाएगा और आपके लिप्स भी हो जाएंगे, मतलब कोई फर्क ही नहीं है कि आप लिपस्टिक रखना भूल गए या ग्लॉस रखना भूल गए, तो कोई मसला नहीं, बस आप ये टिंट रख लो अपने पॉकेट में, अपने बैग में इजीली, तो ये आप लोग कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा, इसकी खास बात ये वाला जो है मेरा फेवरेट है, इसको मैं अपने लिप्स पर भी लगा लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि लिपस्टिक मुझे बिल्कुल लाइट सी लगानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, टिंट जो है ना वो लाइक दिस मैं ऐसे करके लगा के चली जाती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है ये जे डॉट वाली लिपस्टिक्स, उप्स प्रमोशन नहीं है, दोनों शेड मेरे फेवरेट है, मतलब इतने फेवरेट है कि ये 4-5 में खाली कर चुकी हूँ। Oh my God! मेरे पास ये सारा वाली कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी है, सारा ने मुझे कुछ गिफ्ट की थी तो इनके शेड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे, शेड्स तो अच्छे हैं लेकिन साथ साथ इनके नाम बड़े मजे के, मैं आप लोगों को नाम बताती हूँ। इसका नाम है ग्रेजुएशन, मतलब वाओ। नेक्स्ट
ये है प्रपोजल, नेक्स्ट मेरे पास है डेट नाइट। मतलब नाम कितने कमाल है ना, जब आप अपनी डेट पर जा रही हो ना तो ये वाला शेड लगा लेना। मेरे पास ये ऑरेंज शेड भी है, मैं इसको ज्यादातर लगाती नहीं हूँ लेकिन ये अच्छा शेड है, ज्यादा यूज नहीं करती मैं, ज्यादातर मैं अपनी पसंदीदा ही यूज करती हूँ, मतलब वो कर करके मैं खाली कर देती हूँ फिर नहीं ले आती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ये काशीज की ही लिपस्टिक्स, काशीज की भी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी है, मेरे पास ग्लॉसेस अलग है, लिपस्टिक्स अलग है, सो आई हैव अ फुल पैकेज। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग ने मेरे वैनिटी टूर में भी देखी होगी, मैंने आप लोग बताएंगे मेरी मेडिसिन, लेकिन ये मेडिसिन नहीं, बहुत ही क्यूट सी लिपस्टिक्स है, लेट मी शो यू गाइज, ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब हाउ क्यूट, ये मेरे को ऐसा लगता है मेडिसिन। As I told you before, I have this gloss bomb too. इसको अपनी लिपस्टिक पर लगा लो तो इतनी अच्छी लगती है, मतलब इतना सॉफ्ट लुक आता है, मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा है, ये न्यू लॉन्च हुआ है सारा ली कॉस्मेटिक्स का, तो आप लोग वहां से जाके ले सकते। लास्टली मैं आप लोग को ये वाली दिखाती हूँ, उफो ये वाली मैंने यूज नहीं की है लेकिन शेड्स अच्छे हैं काफी, करूंगी कभी। ये चीज तो मैं आप लोग को दिखाना ही भूल गई, ये तो मैंने आप लोगों को अपने वैनिटी टूर में भी दिखाया था। ये मेरे पास ग्लॉस है, मतलब लिप ऑयल टाइप, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पर ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है और ये है भी क्यूट, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। ये है मेरे पास बाम, ये खुल जाओ, ये देख सकते हैं आप लोग। और ऊपर से ना इसके ऊपर आईज भी डली हुई है, ये कितनी क्यूट है ना। मेरी लिपस्टिक कलेक्शन, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लिपस्टिक्स आप लोग नॉर्मली लेते हो तो उसमें ना मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ना एक अच्छी लिपस्टिक में वो नहीं होते, तो मैं आपको यही कहूंगी कि अच्छी लिपस्टिक लें ताकि आप लोग के लिप्स खराब ना हो, अक्सर लिप्स जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, मतलब ब्लैकिश की तरफ चले जाते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप लोग अच्छी लिपस्टिक इस्तेमाल करें और सोते हुए अपने लिप्स पर आप जॉनसन का ऑयल लगा के सोएं ताकि आपके लिप्स जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहे, वगैरह रोज लगाते हो तो उससे आप लोग महफूज रहोगे। मेरे तो बहुत मेकअप होता है, मतलब तकरीबन मैं मेकअप में रहती हूँ, तभी लोग मुझे कहते हैं कि आप क्या मेकअप में रहती है हमेशा, आप घर में मेकअप में रहती है, ये रहती है वो रहती है, भाई क्या करें काम इतना है तो मेकअप में रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत केयर करती हूँ अपने लिप्स की, अपने फेस की, अपने हैंड्स की एक्सेट्रा। सो यार ये थी मेरी आज की YouTube वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आएगी, सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमें 2 मिलियन करने हैं जल्द से जल्द, मैं चाहती हूँ बस जल्द से जल्द हो जाए, बर्थडे भी आने वाली है, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और मजे की बात ये है कि मेरी जो ये वाली बर्थडे ना वो 18th बर्थडे होगी, फाइनली रबी का 18 की हो जाएंगी, झूठ तो नहीं कह रही आप? नहीं भाई झूठ नहीं कह रही, वाकई में मैं 18 की हो जाऊंगी भाई, एनआईसी बन जाएगा मेरा। इंतजार करते हैं बर्थडे का और मजे मजे की यूट्यूब वीडियोस में आप लोग की तरफ लेकर आती रहेंगी, आप लोगों को बस सपोर्ट करना है, प्यार दिखाना है जिस तरह आप लोग करते हैं। सो या कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय गाइस।